चलो, पिछली बार की क्लास क्लियर थी भैया सभी को? क्यों, जितने भी लोग बैठे हैं, श्वेता, केवल श्वेता, पिछली क्लास क्लियर थी? हैं? थ्री पेरेंट बेबी टेक्निक एक बार वो बता दे, आप हमने पढ़ा नहीं था स्लाइड में, एक बार देखा नहीं था, एक बार सुन लो। देखो उसमें होता क्या है, देखो नॉर्मली क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक ये आके मिलके क्या मानते, जायगोट बनाते कि नहीं बनाते। लेकिन हमने एक चीज देखी थी ना कि जो कोशिका होती है इसके भीतर न्यूक्लियस केंद्रक होता है कि नहीं होता है, और केंद्रक में मतलब डीएनए जो पूरी कोशिकाओं को करता है, नियंत्रित करता है। लेकिन उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ मात्रा में डीएनए पाया जाता है, तो ये डीएनए भी थोड़ा बहुत क्या नियंत्रित करता है, ठीक है ना। तो जिस महिला में माइटोकॉन्ड्रिया गड़बड़ होता है ना, उसकी वजह से क्या जो आने वाली संतति है उस पर कोई प्रभाव आ सकता है, निगेटिव प्रभाव। इसके लिए क्या है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया हटाकर एक दाता महिला का माइटोकॉन्ड्रिया उसकी कोशिका में फिक्स कर दिया जाता है बस, और फिर वही सेम प्रोसेस होता है, नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलना, युग्मक का बनना, फिर उससे क्या एक बेबी का बन जाना, और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये थ्री पेरेंट बेबी टेक्निक में कुछ भी नहीं है, केवल माइटोकॉन्ड्रिया अपने दाता महिला से ले लिया है और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि उस केस में मैंने आपको बताया था ना कि ज्यादातर क्या होता है इस केस में, ना लड़का ना लड़की, वहां किन्नर पैदा हो सकता है उस केस में, ये रहता है। तभी यहाँ पे थ्री पेरेंट बेबी टेक्निक अपनाई जाती है ऐसा। लेकिन ये लोग के जो हाई फाई क्लास के लोग होते हैं ना, उन्हीं के साथ में ये चीज होती है, मतलब वो ये बीमारी को दूर कर सकते हैं, पैसा बहुत खर्च होता है इसमें, इसीलिए बाकी नॉर्मल व्यक्ति इसी को फॉलो कर ही नहीं पाएगा, वो तो ये बोला भगवान की देन है। चलिए आओ, आज अपन देखने जा रहे हैं क्रिस्पर क्रेस 9 प्रौद्योगिकी। क्यों मुस्की 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 तो बोल सकते कि नहीं बोल सकते? क्यों मुस्की मुस्की बोल सकते कि नहीं, कि वो भी नहीं बोलना है, बताओ, कुछ बोल ही नहीं रही। आओ इधर आ जाओ, आज हम देख रहे हैं यहां पर क्या क्रिस्पर कैस 9 प्रौद्योगिकी। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्कर पहले एमपीपी से पूछा जा चुका है, ठीक है, लेकिन आपको पता हो ये होता क्या है क्रिस्पर कैस 9। क्रिस्पर का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लस्टर्ड, इधर फुल फॉर्म देख लो आप इसका, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, इसको आप लिख लीजिए वहां पर, CIRSPR का फुल फॉर्म। क्रिस्पर का पूर्ण रूप लिख लीजिए आप लोग, पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, पूर्ण रूप क्या है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ये इसका पूर्ण रूप है, किसका, क्रिस्पर का, CIRSPR का, ठीक है। ऐसा सर्दियों में लगती बड़ी जबरदस्त है ना, थोड़ा सा अगर मान लो कोई पड़ गया तो मजा आया, तो दिमाग में लग गई अभी थोड़ी देर पहले। टेबल से क्या तेजी से बैठ गए, पड़ गया तो दिमाग में लग गई, बहुत दर्द हो रहा दिमाग इस समय, हाँ मेरा दिमाग मेरे घुटनों में है ना इसीलिए। चलिए खैर इधर आइए, क्रिस्पर का पूर्ण रूप क्या है, याद कर लिए पूर्ण रूप क्या है क्रिस्पर का, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। आपको पैलिंड्रोमिक जो वर्ड है ये मैं पहले पढ़ा के आ चुका हूं, ध्यान है पैलिंड्रोम क्या था, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, बिल्कुल पैलिंड्रोम क्या था श्वेता, वहां पर पैलिंड्रोम माने क्या था, डीएनए का हम सीक्वेंस देख रहे थे ना, जो हम ऊपर से पढ़े तो भी एक जैसा, नीचे पढ़े तो भी एक जैसा, जैसे कि मलयालम, जैसे कि जहाज, ठीक है ना, जैसे कि पॉप, जैसे कि मॉम, नहीं मॉम नहीं वो तो इंग्लिश में होगा, पापा, हम लोग जब छोटे थे तो उल्टा बोला करते थे हर चीज को, फिर हमने क्या सोचा पापा के, पापा को उल्टा तो पापा ही निकल के आ रहा यार, तो वहां मैंने संधि विचार करना सीख लिया, पापा को उल्टा आप बोलने लगे, आप आ गए, अरे पा प्लस आ प्लस पा प्लस आ, अब पढ़ो आप हो गया कि नहीं हो गया, संधि बताओ कौन सी है, अ प्लस आ वाली दीर्घ संधि है ना, अ प्लस आ। चलिए यार आपने पढ़ी हुई संधि, मैं तो भूल भाल गया संधि, मैं पढ़ूंगा वापस से तो मालूम पड़ेगा, वरना मैं भूल गया, अब मैं साइंस और इकोनॉमी इन दो में रहता हूँ, बाकी सब खत्म हो चुका है जीवन। चलिए इधर आ जाइए आप लोग,
हम लोग किसका कर रहे हैं, क्रिस्पर कैसे आने की। अब आप खुद ही मुझे बताएंगे कि आपने पीछे पढ़ लिया क्रिस्पर का पूर्ण रूप, इसका फुल फॉर्म क्या है, क्लस्टर्ड रेगुलरली आई से इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। देखो क्रिस्पर कैसमैन में होता क्या है, देख लेना आप लोग क्रिस्पर। देखो यहां पे दो शब्द है, एक है यहां पर आपको समझ में क्रिस्पर और एक है यहां पे क्या केस नाइन। केस नाइन क्या है, देखो क्रिस्पर तो कोई तकनीक जो हम देख रहे हैं यहां पर, और केस नाइन यहां पर क्या है, एक एंजाइम। ये क्या है, एक एंजाइम है। आपको ध्यान होगा हमने एक एंजाइम पीछे ही पढ़ा था जो डीएनए को एक जगह से काटने काम कर रहा था, क्या नाम था उसका, मुश्किल, जो डीएनए को एक जगह से काटने कार्य कर रहा था, हमने एक एंजाइम पीछे पढ़ा था, क्या नाम था उसका, हाँ सही बोल रहे हो। अरे वो तो कॉपी बनाता है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, वही। तो देखो जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस पीछे था वो था नोकिया का पुराना कीपैड फोन जिससे आप केवल कॉलिंग कर रहे थे और मैसेजिंग कर रहे थे। लेकिन जो केस नाइन है, क्रिस्पर केस नाइन है, ये केस नाइन ये क्या है, आपका आज के जमाने का एंड्रॉइड फोन है, कॉलिंग भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, वीडियो कॉल भी कर सकते हो, ठीक है ना, आप उसमें क्या है वीडियो मैसेज भी भेज सकते हो, ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हो। तो ये एडवांस आपका रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस है, कौन, केस नाइन, आज के समय का काफी एडवांस या संवर्धित ये कौन है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम क्या है, केस नाइन। तो जो काम पीछे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कर रहा था वही समान कार्य यहां पर कौन कर रहा है, केस नाइन कर रहा है, मतलब ये और ज्यादा स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं यहां पर, जैसे आप देखना यहां पर ये डीएनए का सीक्वेंस है आपके पास में, दो चीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, एक तो आपको मिलेगा कौन देखने के लिए, केस नाइन एंजाइम देखने को मिलेगा आपको, और एक आपको मिलेगा कौन देखने के लिए, जीआरएनए। जीआरएनए का मतलब होता है गाइडेड आरएनए, इसका फुल फॉर्म लिख लेना आप लोग, इसका मतलब क्या होता है, गाइडेड यानी कि इसको गाइड करने वाला, गाइडेड आरएनए। आरएनए तो आप जानते ही क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है कि नहीं, क्यों शिवानी, इसमें कौन सी शुगर होती है आरएनए में, कौन सी शर्करा होती है, राइबो शर्करा होती है कि नहीं होती है, बस। और आरएनए में अपने जो नाइट्रोजन बेस होते हैं कौन कौन से होते हैं, अरे प्यूरिन और पिरिमिडिन दोनों ही होंगे, लेकिन कौन कौन से होंगे, मतलब ये बताऊं ना, प्यूरिन कौन सा होगा आरएनए में और पिरिमिडिन कौन सा होगा, और यूरेसिल, थायमिन तो डीएनए में होता है, साइटोसिन थायमिन किस में होता है, डीएनए में, लेकिन यहां पे कौन होगा, यूरेसिल आरएनए में। तो देखो दो लोग यहां पे, एक तो केस नाइन, देखो मैं केस नाइन को जो इससे दिखा रहा हूं आपको, ये मान लो ये केस नाइन है आपके सामने, ठीक है, और ये कौन है, ये गाइडेड आरएनए, ये है जी आरएनए, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो आपकी क्रिस्पर केस नाइन टेक्निक है इसके माध्यम से हमारे जो डीएनए सीक्वेंस है इसमें जो भी फॉल्टी जीन होगा, क्या बोले, जो भी विकृत जीन है उसको पहले से ही हटा दिया जाना, ठीक है। अभी आगे चल के हम एक बात पढ़ने वाले हैं, वो है अपनी क्या, ह्यूमन जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो 1990 के समय शुरू हुआ था और 2003 तक चला था वो प्रोजेक्ट, उसमें क्या करा गया था, मानव शरीर में पाए जाने वाले 30,000 से अधिक जीनों का एक पूरा मैप बना दिया गया और पता लगा लिया गया कि इनमें से कौन कौन से जीन ऐसे हैं जो मानव के काम के हैं, बाकी जो काम के नहीं है बाढ़ में आन दो, ये अपने काम के, इन्हीं पर ढंग से काम हो जाए तो मनुष्य क्या करता है, एक स्वस्थ जीवन जी सकता है अपने एक लाइफ में, ठीक है ना, जो उसे भगवान ने देखी भेजी 80-90 की उम्र है कि स्वस्थ जीवन बड़े आराम से जी सकता है यदि उन 30,000 जीन पे के अच्छे से कार्य कर दिया जाए। यहां पर देखना आप लोग, किसी व्यक्ति को कोई आनुवांशिक बीमारी है, ठीक है, उस आनुवांशिक बीमारी को दूर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, केस नाइन का, ठीक है, यहां पर कौन है, ये केस नाइन, उस आनुवांशिक बीमारी दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, केस नाइन का, और इनसे गाइड कौन करेगा, यहां पे जी आर एन ए, इसका मतलब क्या, फुल फॉर्म क्या है, गाइडेड आर एन ए। तो आप मान लो ये है टीचर और ये हो आप, ठीक है, टीचर यानी कि मैं, मैंने बोला श्वेता से, श्वेता आपको सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना, ठीक है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि इधर जाओ एमबीपीएससी आयोग, इधर मैं आपको गाइड कर दिया, आप यहां पहुंच गई एमबीपीएससी आयोग, मेरे बात मानकर, और यहां पर ऐसा जीन जो सिलेक्शन नहीं, जो विकृत था, जिसे का सिलेक्शन नहीं हो सकता था, आपने उसे क्या कर दिया, काट दिया, और काट के यहां से अलग कर दिया, अब चाहे जो हो जाए,
हमेशा आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा, चाहे आप किसी एग्जाम में बैठो, चाहे एमबीपीएससी, चाहे यूपीएससी, चाहे एसएससी, चाहे एमटीएस, चाहे जीपेट, चाहे जीआरई, चाहे टाउनफिल, या किसी बैठो, आपका सिलेक्शन हमेशा होगा ही होगा, ठीक है। हालांकि हम तो बात यहाँ पर क्या है, यूपीएससी बीपीएससी इनकी करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या समझे हम बात, आपको दो बातें पार्ट में रखना है, क्रिस्पर कैस नाइन पढ़ने से पहले, ये पूरा पूरा वही सिस्टम है जो आप पीछे पढ़ के आ चुके हो, बस थोड़ा सा ये क्या हुआ है, एडवांस हो गया और कुछ भी नहीं है। मतलब जो काम प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को एक जगह से काटने कर रहा था, ये काम उसको जो ये एंजाइम है कौन, केसन, बड़े आसानी से और अच्छे से कर लेता, मतलब और स्पेसिफिक जगह से काट देगा, बिल्कुल और स्पेसिफिकली काट देगा, आप ये कह सकते हो, ठीक है। जिसने बताया ना कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो किसकी तरह था, पुराने कीपैड फोन की तरह, और ये आज के एंड्रॉइड फोन की तरह, और अच्छे तरीके से काट देगा और स्पेसिफिक जगह से काट देगा, ऐसा रहेगा। तो आपने क्या करा, बिल्कुल वही जगह वही जीन अलग कर दिया जो क्या था, एक खराब प्रोटीन का निर्माण कर रहा था, ऐसा जीन जो क्या कर रहा था, खराब प्रोटीन का निर्माण कर रहा था, उसको आपने क्या कर दिया, यहां से गाइडेड आरएनए से क्या लेकर संदेश लेकर कह दो आप, ठीक है ना, संदेश लेकर से क्या कर दिया आपने, यहां से हटा दिया, ठीक है। तो अब जो डीएनए बनेगा आपके सामने, ये क्या होगा, ये डीएनए कैसा होगा आपके सामने जो बनकर आएगा, ये होगा एक स्वस्थ डीएनए, कैसा होगा ये, स्वस्थ डीएनए। हालांकि आने वाला टाइम बताएगा 20 30 50 साल बाद कि इसमें कुछ विकार आ सकते हैं कि नहीं, देखो बीमारी नहीं आती कि नहीं आती, नई नई बीमारी आती कि नहीं आती, अपन जानते हैं आप, बीमारी तो धीरे धीरे डिस्कवर होना शुरू हुई थी कि नहीं हुई थी, किसी ने सोचा था कि वायरस से इतनी सारी बीमारी होती है, नई नई बीमारी, कोरोना जैसी बीमारी, नई बीमारी निकल कर आ गई अचानक से, आई कि नहीं आई, हाँ जी 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 बिल्कुल, क्योंकि जीआरएनए कौन है, जीआरएनए कहीं ना कहीं इसी सिस्टम का भाग रहा है। मतलब मैंने एमपीपीएससी परीक्षा दी है तो मुझे मालूम है कमी कहां कर सकते हो आप, तो मैंने क्या बोला, इस कमी को दूर कर दो, आपका हमेशा सिलेक्शन होगा। तो जीआरएनए को यह बात पता है पहले से, है ना, कि कमी कहां पर, तो जीआरएनए आपसे बोला इसको आप जो ना काट दी, मैं खुद नहीं करूंगा क्योंकि मेरी तो उम्र हो चुकी, मैं एग्जाम कहां दे पाऊंगा, मैं नहीं दे पाऊंगा एग्जाम, एग्जाम तो आप ही दे पाओगे ना, ऐसा तो मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि ऐसा ऐसा करो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो एग्जाम्पल ये समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मान लो क्रिस्पर केस है, यदि मान लो तीन मार्कर में है, तो आप फिर बता सकते हो ना उसका पूर्ण रूप क्या बोलोगे, उसकी उसका पूर्ण रूप क्या है, क्रिस्पर का पूर्ण रूप जल्दी फुल फॉर्म बोलो, फटाफट बोलो, फुल फॉर्म बोलो, आर से फिर रेगुलरली, हाँ आई से, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया, पी से पैलिंड्रोमिक, और आर से रिपीट, बस यही तो है क्रिस्पर का फुल फॉर्म। इसमें मुख्य एंजाइम का नाम क्या होता है, कैस9, ठीक है ना, कैस9 मुख्य एंजाइम का नाम होता है, ठीक है, जो किसकी सहायता से, जीआरएनए की सहायता से पर्टिकुलर साइट से किसे, खराब जीन को हटा देगा, बस ठीक है। आइए इसके बारे में पीछे हम कुछ बातें देख ले जो हम यहां पर स्लाइड में लाए हैं आपके लिए, इधर देख लीजिए आप लोग, देखो इसमें डीएनए के खराब जीन को डिलीट कर दिया जाता है, हमने ये तो कहा था डिलीट कर दिया ना, हटाई दिया ना, यहां से ही हटा दिया, ठीक। इसमें दो अणु शामिल होते हैं, पहला क्या है, केस नाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते कि नहीं बोलते, जो आणविक कैची का कार्य कर रहा है, डीएनए काटने का कार्य कर रहा है। इससे पहले ये कार्य हम किससे करवा रहे थे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से करवा रहे थे कि नहीं करवा रहे थे, और आज किससे करवा रहे हम लोग, केस नाइन से, ठीक है। ऐसा क्यों आदित्य, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, कि वैसे ही कोशिश कर रहे हो, अभी भी कोशिश ही चल रही है, इतना इजी करने का भी कोशिश चल रही है। आपको मालूम है जनवरी के टाइम पे मैंने इंग्लिश मीडियम वालों को, फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम को पढ़ाया था बायोटेक्नोलॉजी, है ना, वहां दो क्लास में बायोटेक पूरा हो गया था, और यहाँ पर जो ना कितनी 8-9 क्लास हो गई, हमने कितनी हुई अभी है क्या नहीं है। उसके बाद तुम कह रहे हो कि कोशिश कर रहा हूं, अगर मालूम है दो क्लास में खत्म करता फिर तो तुम्हारी कोशिश ही विफल हो जाती। तुम्हारा नाम आदित्य है, ठीक है ना, तो बिल्कुल आदित्य यानी सूर्य की तरह सोचो, ना कि आदित्य में से 8 आके दैत्य की तरह सोचो। आओ इधर आओ, केस 9 जीआरएनए के अनुसार क्या करता है, डीएनए स्ट्रैंड को काटता है। इस तकनीक का प्रयोग किसके लिए करते हैं, अनुवांशिक रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। अनुवांशिक रोग आप जानते हो बहुत सारे होते हैं, जैसे हीमोफीलिया में क्या होता है बताइए, खून निकलता रहता है, नहीं ब्लड क्लॉट नहीं बनता, ठीक है ना, ऐसा। थैलेसीमिया में क्या होती है, आरबीसी कमी। थैलेसीमिया में क्या होती है, मतलब थैलेसीमिया में ब्लड के थैले में आरबीसी ज्यादा नहीं बन पाती है, ठीक है, ऐसा। और भी होती है बहुत सारी, कैंसर भी इसके भीतर आ जाएगा।
ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कुल मिला के ऐसे जीन को हटा दे रहे हैं, ऐसे डीएनए खंड को हटा दे रहे हैं जो क्या कर रहा है, इस प्रकार बीमारी लेकर आ रहा है इस तकनीक की सहायता से। लेकिन मिस यूज भी हो सकता है, अब हम मिस यूज देखते हैं यहां पर आगे क्या है। गुड मॉर्निंग शशि, वॉइस कम आ रही है, हीमोफीलिया थैलेसीमिया में लिख लिया, आगे बढ़े। इतना पूरा नोट मत करो आप, ये तो आपको नोट से मिल जाएगा, 10 पन्ने का नोट ज्यादा बन के रेडी हो चुका है आप लोगों का, है जिस दिन इसकी आखिरी क्लास होगी उस दिन मिलेगा। क्योंकि देखो उसका फायदा होता है कि नहीं होता है, आपने यहां पर जो पढ़ा वही नोट से वैसा का वैसे ही आ गया, वही आपने सिनॉप्सिस बनाए थे, तो आपके नोट समान हो गए कि नहीं हो गए, वरना फिर क्या होगा, बाहर है शिकायत पेटी और आप बोलोगे हमें नोट से विपरीत पढ़ाया जा रहा है, बोलोगे क्या है? ऐसा हुआ था जनवरी के टाइम पे, तभी कह रहे हैं जनवरी में जो फाउंडेशन इंग्लिश वाले बच्चे थे उनमें से किसी ने, नहीं फाउंडेशन इंग्लिश टारगेट बैच के बच्चे थे, वहां पे टारगेट बैच के बच्चे थे, 7-8 में से कोई था, जी आणविक कैची, आणविक कैची यानी, अरे कैची काटने काम करती कि नहीं करती है, आणविक यानी मॉलिक्यूलर, और डीएनए किसका बना होता है, मॉलिक्यूल का, उसे काटने कार्य कर रहा है कौन, कैस9 एक जगह से, तभी से हम क्या बोल रहे हैं आणविक कैची बोल रहे हैं ऐसा। अब बहुत दिनों बाद आए मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं और हाँ आपने दोनों ही क्लास आपने ऑनलाइन देखी थी कि नहीं देखी थी, क्योंकि आपको दिक्कत आएगी फिर समझने में, ठीक है। मेरी क्लास तो जितनी, अगर मान लो आप क्लास में नहीं है तो ऑनलाइन देख डालो, नहीं तो आपको अगली क्लास आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर क्या मैनेजमेंट थोड़ा चेंज हो गया, वो मैनेजमेंट आके आपसे पूछेगा मेरी क्लास के बारे में, तो आप आंसर नहीं दोगे तो फिर वो मुझसे कहेंगे कहाँ पढ़ा रहे हो तुम। चलो ठीक है, ठीक है ठीक है, इसको हटा दें हम, आगे बढ़े, ठीक है शिवानी आगे बढ़ रहे हम। आइए, ये है पूरा पूरा सिस्टम, ये देखो ये वो डीएनए है, ठीक है, ये क्या वो खराब वाला डीएनए, देखो लाल रंग से बना, ये खराब वाला डीएनए, ये कौन है आपका, ये केस9 और ये गाइडेड आरएनए, तो ये हो आप, ये एमपीपीएससी में सिलेक्शन ना होने की वजह, ये हैं आप, ये हूं मैं, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस वजह को यहां से हटा दो, आपने वजह यहां से कर दी हटा दी, ठीक है ना, और फिर आप यहां पर क्या कर सकते हो, सिलेक्शन की वजह जोड़ सकते हो बस, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा। खैर इसका जो मिसयूज किया गया, मिसयूज अपन यहां पर देखने जा रहे हैं इस व्यक्ति के द्वारा, ये दिख रहा है कौन, ये कोरियन, ये कोरियन नहीं, ये चीनी व्यक्ति है, हिंदी चीनी भाई भाई नहीं, ठीक है ना, अगर हम बोलेंगे तो हिंदी चीनी भाई भाई है, बाकी ये तो बहुत बड़े कसाई है, ठीक है। इसका नाम है हे जियान कुई, सुनियो तो कोरियन है, ठीक है, जापानी है, जापानी, हे जियान कुई इस बंदे का नाम है, ये चाइना का एक जो ना बायोटेक्निशियन डॉक्टर है, ठीक है, चीन का बायोतकनीक चिकित्सक था, ये है अभी भी है, तुमको लग रहा है उल्टी सीधी चीज है, उल्टी सी, अरे जानवर में क्या प्रोटीन होता, प्रोटीन तो बहुत अच्छी चीज होती भैया, वो अलग बात है कि तुम प्रोटीन शाकाहार से ले रहे हो, वो प्रोटीन मांसाहार से ले रहा है, प्रोटीन आप जो है ना उसको उस चीज के रूप में देखो क्या क्या बना हुआ है, आप उनको उनके क्या जो अंतिम तत्व है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनमें देखो जाके, ठीक है। तो हमारे लिए शरीर के लिए जरूरी क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स, ये सब है कि नहीं जरूरी, आप ये बोलोगे ये वो भैंस को पड़े को खाए उठा के फिर भी दिमाग कितना चल रहा है, अरे पड़े में कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, ये देखो भाई। चलिए खैर इधर आइए, ये व्यक्ति इसका नाम क्या है, हेज यान कुई, इस व्यक्ति ने क्या करा था, इसी क्रिस्पर केस नाइन का गलत इस्तेमाल करके इसने क्या करा, दो ऐसे बच्चे बनाए जिनको क्या कभी एड्स नहीं हो सकता था, मतलब ऐसे इसने बच्चे बनाए, ऐसे बेबी बनाए, दो ऐसे बच्चे बनाए थे जिन्हें कभी भी एड्स नहीं होने वाला, लेकिन क्या पता कोई नई बीमारी हो जाने वाले टाइम में, है कि नहीं है। तो यहां पर जो चिकित्सा की नैतिकता थी, जो मेडिकल एथिक्स थी, उसका उसने गलत मिसयूज किया कि नहीं किया, इसलिए चाइना की सरकार ने से 3 साल की जेल कर दी थी, 3 साल की जेल हो गई थी इसको, क्योंकि ये चीज गलत है, ये चीज टोटली क्या है, गलत है। इसमें क्या हो सकता है, आप कुल मिलाकर कर क्या रहे हो, आप अपने साथ डिजाइनर बेबी बना रहे हो यार, इसमें आप क्या कर रहे हो, आप बना रहे हो डिजाइनर बेबी, मतलब ऐसा ऐसा व्यक्ति, बिल्कुल डीएनए छिड़क करके आपने क्या बना दिया, डिजाइनर बेबी बना दिया, मतलब आपने क्या ऐसा व्यक्तित्व बना दिया,
ऐसी चीज ऐसा इंसान बना दिया जिसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, जो क्या होगा हष्ट पुष्ट बलिष्ट होगा। फिर ऐसे आप देखो जब समाज में जाओगे सोसाइटी में जाओगे तो एक विभेद आएगा कि नहीं आएगा, कि देखो एक जो गरीब व्यक्ति वो तो बेचारा का प्राकृतिक तौर पर निर्भर है प्रकृति पर अपने बेबी के लिए, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, वो डिजाइनिंग करवाएंगे ऐसे डॉक्टर के पास में जाकर कि भैया मेरा जो बेटा हो इसकी आंखें ऋतिक रोशन की जैसी हो, ठीक है, इसके गाल जो है ना रणवीर कपूर की जैसी हो, इसके बाल बाल अमिताभ बच्चन की जैसे कर ली हो, ये लीगल नहीं है। हाँ लीगल नहीं है ये, अगर मान लो ये चीज लीगल हो जाएगी तो फिर क्या होगा, जो पैसे वाले लोग हैं ना बस बस वो ही लोग फिर यहाँ देखेंगे आपको हर जगह पर, और बाकी जो गरीब है दवा कुछ ला खत्म, वो केवल सेवक ही बन के रह जाएगा, और ये वाली ये पिक्चर में ये लोग दिखेंगे। मतलब समाज में डिफरेंस आता है कि नहीं आता, आप देखो ना डिफरेंस आज भी है, चाहे जातिवाद को लेकर हो है कि नहीं है, चाहे जो ना गोरे काले रंग को लेकर हो, मान लो व्यक्ति बहुत गोरा चिट्टा है बेहतरीन लंबा चौड़ा है, उससे देखो कितनी तमीज से लोग बात करते हैं, और भाई साहब कैसे क्या हाल चाल जी, काला कलूटा टिंगा पुंगा सो, अभी ओए क्या कर रहा था, निकल जा चल, वैसे बात करते कि नहीं करते, ये विभेद आज भी है कि नहीं समाज में। फिर तो ये जो विभेद आज है जब प्राकृतिक तौर पे सब कुछ चल रहा है, तो यहां तो आप क्या करने वाले भैया आर्टिफिशियली करने जा रहे हो इस चीज को, तो ये विभेद और बढ़ जाएगा, इसलिए ये चीज क्या है इलीगल है, ठीक है। चलिए तो क्या नाम है इसका, हेजियन, कोई आप इसका एग्जाम्पल यूज करते हो, हेजियन को एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो बताने के लिए कि क्रिस्पर केस का जो गलत प्रयोग है किसने, चाइना के एक डॉक्टर हेजियन को करा था जिन्हें 3 साल की जेल हो गई थी। चलिए और कुल मिला के क्रिस्पर केस में हो क्या रहा है, आप डीएनए को स्पेसिफिक जगह से काट रहे हो क्या आनुवांशिक रोगों को दूर करने के लिए, ठीक है ऐसा। चलिए अगला अपना यहां पर क्या है क्लोनिंग, ये शब्द आपने बहुत सुना होगा बचपन में क्लोनिंग, ठीक है, कोई शक्तिमान में नहीं आता तो क्लोनिंग, एक जगह पे जाके खड़ा होता था एक मशीन में उसी क्लोन बनकर यहां से निकल कर आया जाता था सेम टू सेम, मतलब तो खैर कुछ तो भी दिखाया गया था, ऐसा तो खैर होता ही नहीं कभी भी, ये क्लोन का मतलब कुछ और होता है, वो कुछ और क्लोन दिखाया गया था वहां पर ऐसा है, बच्चों के लिए तो कुछ भी दिखा दो ना बच्चा क्या समझेगा क्लोन मतलब क्या है, लेकिन अब आप उसे समझोगे क्लोन मतलब है क्या, यहाँ पर आइए समझते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा है, किसी जीव का प्रतिरूप तैयार करना ही क्या कहलाता है क्लोनिंग कहलाता है। हम क्या बोले किसी जीव का प्रतिरूप तैयार कर रहे हैं, यानी मान लो कि जैसे कि यहाँ पर क्या है निर्भय है, निर्भय बैठे हुए एक और निर्भय को आप यहाँ पर ला के रख दो, ठीक है ना, बिल्कुल क्या है निर्भय जैसी कॉपी हो, वो क्या कहलाएगी निर्भय की क्लोनिंग, यानी निर्भय का क्लोन कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा निर्भय का क्लोन। लेकिन ये थोड़ी है कि आपने मशीन में जो ना निर्भय घुसड़ा हो बिल्कुल वैसे वैसे बनकर आ गया हल्की साल, ठीक है ना, क्योंकि ये कोई अजीवित वस्तु नहीं है, ये क्या एक जीवित वस्तु है, निर्भय कौन है एक जीव है कि नहीं है, चलो वस्तु नहीं हो एक जीव हो कि नहीं हो, जीवित जीव ना कि निर्जीव, निर्जीव चीज का क्लोन सिम्पटम वैसा बनकर आ जाएगा, लेकिन आप तो जीव हो तो आपका सिम्पटम वैसा बनकर अभी नहीं आएगा, वो क्या अभी छोटा होगा, छोटा फिर वो बड़ा होगा, बड़ा होते होते फिर वो आपके जैसे दिखेगा ऐसे बैठा रहेगा जैसे आप बैठे हुए, तब तक आप बूढ़े हो चुके होगे ऐसा रहेगा, लेकिन क्या है आनुवंशिक समानता बिल्कुल एक जैसी रहेंगी, वही हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं क्लोनिंग में। तो देखो इसमें होता क्या है, किसी जीव का प्रतिरूप तैयार करना, आपने सुना होगा डॉली भेड़ का नाम सुना है कि नहीं सुना है आपने, पांच छह सात साल ये जिंदा रही थी और फिर ये निपट गई थी बेचारी, और आप भारत में आपको भारत में जो हमारा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहां पर करनाल हरियाणा में है ना, वहां पर जो ना भैंस का पहला क्लोन बनाया गया था, उस भैंस का नाम क्या था समरूपा, भैंस का नाम क्या था समरूपा, समरूपा नाम ही भैंस का क्या है एक क्लोन तैयार किया गया था। तो ये क्लोन बनते कैसे हुई हम यहां पे देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ऐसा। आइए ये डायग्राम देखना आप ऐसे, इस डायग्राम को देख लो, ये डायग्राम मैं आपको यहां पर आगे समझाने जा रहा हूं कैसे, आप देखना जैसे मान लो यहां पर हमने एक भेड़ ली, एक कोई जीव लिया, भेड़ नहीं लिया जीव ले लेते, जीव देखो नॉर्मली क्या होता है आपको पता होगा, नॉर्मली जो चीज होती है वो क्या होती है नर युग्मक और मादा युग्मक, इसी से क्या बनता है आपका जायगोट बनता है युग्मनज, और इसी जाके आपका क्या बन जाता पूरा पूरा जीव बन जाता कि नहीं बन जाता है, इसी चीज से नॉर्मली ये होता है कि नहीं होता है। लेकिन यहां पर क्या किया गया, यहां पर हम लोग क्लोन बनाने जा रहे हैं, मतलब यहां पर हम क्या है लैंगिक विधि का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अलैंगिक विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, लैंगिक विधि का इस्तेमाल नहीं कर रहे किसका अलैंगिक, क्योंकि लैंगिक में क्या दो अलग अलग लिंग के लोग चाहेंगे जबकि अलैंगिक में एक ही काफी है, तो यहां पर अलैंगिक विधि, जीव है जीव, इस जीव से आपने निकाल ली कौन सी कायिक कोशिका, कौन सी कोशिका निकाली आपने, आपको याद है कायिक कोशिका कौन सी थी मैंने बताई थी आपको, अरे नर में स्पर्म को हटा दो मादा में अंडाणु को हटा दो बाकी जितनी बची कोशिका जिसका पूरा शरीर बना वो अपनी कौन सी कोशिका होती है कायिक कोशिका में, कितने क्रोमोजोम होते हैं 46 होते हैं कि नहीं होते, जबकि जो जनन कोशिका होती है उनमें कितने होते हैं
23 होते कि नहीं होते, यानी इस पर में 23 रहेंगे, अंडाणु में 23 रहेंगे, लेकिन बाकी जो पूरी कायक कोशिका उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। तो देखो यहाँ पे ये कायक कोशिका ली बता उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा। इसी जीव से हमने क्या करा, इसका ले लिया अंडाणु। अब बताइए अंडाणु में कितने वो होते हैं क्रोमोसोम, 23 होते कि नहीं होते, मतलब इसमें जो केंद्रक जो न्यूक्लियस होगा, बात सुनना ध्यान से, इस जीव के अंडाणु में जो न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम होंगे, 23। तो 23 से पूरा जीव तो बन नहीं पाएगा, पूरा जीव बनाने के लिए कितना चाहिए आपको, 46। हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर जीव का, मैंने जीव बोला तो मैंने जो 46 क्रोमोसोम किसके ले लिए, मनुष्य के तौर पर ले लिए, ठीक है ऐसा। अब देखो क्या होगा, जो ये कायक कोशिका है ना, कायक कोशिका, इस कायक कोशिका का जो न्यूक्लियस है, बात सुनो ध्यान से, इस कायक कोशिका का जो न्यूक्लियस यानी कि जो केंद्रक है, वो केंद्रक निकाल के मैं कहां पर शिफ्ट कर दूंगा, इस अंडाणु में। ये 46 वाला केंद्रक था, ये मैं कहां पर ले आया, इस अंडाणु में लेकर आ गया, और इसमें जो 23 वाला था, 23 वाला इसको मैंने यहां से क्या कर दिया, हटा दिया। तो बताओ अब इस अंडाणु में कितने क्रोमोसोम आ चुके हैं, 46 आ गए कि नहीं आ गए, जो यहां पर था वो यहीं पर है ना। आप जानते हो अंडाणु ही क्या होगा आगे चल के, जायगोट को बनाने वाला था, था कि नहीं था, लेकिन यहां पर तो उसमें क्या आ गए, 46 क्रोमोसोम आ गए कि नहीं आ गए इस वाले अंडाणु में। अब यहां पर आप क्या करोगे, बिजली के झटके दोगे, इलेक्ट्रिक शॉक जिन्हें बोला जाता है, बिजली के झटके जैसे ही अंडाणु पड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर विभाजन होना शुरू हो जाएगा, इसमें क्या होगा, विभाजन होना शुरू, और जैसे विभाजन शुरू होगा तो ये किसी तरह कार्य करने लग गया, अब जायगोट की तरह कार्य करेगा, नहीं करने लगा, 23 23 46 जायगोट बनाता कि नहीं बनाता। यहां पर क्या था, ये हमने कायक कोशिका ली जिसमें कहते 46 गुणसूत्र थे, लेकिन अंडाणु में कहते 23, इसमें जो केंद्रक था वो हमने यहां से कर दिया, हटा दिया, और कायक कोशिका केंद्रक जिसमें कितने थे, 46 गुणसूत्र थे, उसको हमने क्या यहां पे लाके फिट कर दिया, और फिर हमने क्या दिए, बिजली के झटके दिए, और उसमें क्या शुरू हो गया, विभाजन शुरू हो गया। तो ये किसी तरह कार्य करने लग गया, ये किसी तरह कार्य करने लगा, युग मन किसी तरह कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो बस यहां पर अब क्या है, बनने लगेंगी कोशिकाएं, ये क्या बनेगी, 8 कोशिका जो बनेगी, बिल्कुल ब्लास्टोमियर, और ब्लास्टोमियर फिर आगे क्या फर्दर और क्या करेंगी, विभाजित होकर एक पूरा पूरा जीव बना देंगी। तो आप बताओ जो ये जीव अंततः यहां बनकर आएगा, इसका क्लोन होगा कि नहीं होगा, ये किसका क्लोन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें जो 46 क्रोमोसोम थे वही सिम्टम, 46 क्रोमोसोम किसमें, इस जीव के भीतर जो ये बनकर आया है ऐसा यहां पर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, SCNT, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। अब आपको ये क्लियर हो जाएगा, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, देखो सोमैटिक माने होता है कायक, सोमैटिक माने क्या होता है कायक, और सेल माने कोशिका, तो देखो ये कायक कोशिका, और फिर यहां पे लगा न्यूक्लियर ट्रांसफर, तो देखो इसका न्यूक्लियस कहां ट्रांसफर कर दिया, इस अंडाणु में, बस हो गया काम। तभी इस तकनीक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, SCNT, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। क्यों, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं नहीं ये जैसे आप हो आप, ठीक है, इस पर में कितने होते 23, लेकिन आपकी जो पूरी पूरी बॉडी इसमें कितने 46 क्रोमोसोम है कि नहीं है, हर कोशिका में, बस वहां से निकाल लिए, न्यूक्लियस निकाल लिए गए वहां से, इतना किया गया। अगर मान लो आपको अपना क्लोन बनाना है तो ये बात तो पक्की है कि आपको एक अंडाणु चाहिए होगा, क्योंकि अंडाणु ही क्या होगा, विभाजन कर पाएगा, जायगोट तो वही बना पाएगा अंडाणु ही, ठीक है। लेकिन आपकी कोशिका जो कायक कोशिका, इसमें से क्या निकाल लिया अपन ने, न्यूक्लियस निकाल लिया, जिसमें कितने 46 क्रोमोसोम है, अंडाणु में जो 23 क्रोमोसोम वाला केंद्र था वो हमने वहां से हटा दिया, और वहां पर क्या आपका 46 क्रोमोसोम वाला न्यूक्लियस डाल दिया, और बस उसमें क्या बिजली के झटके दे दी, अब वो क्या करेगा, विभाजन करना शुरू कर देगा, मतलब वो जायगोट की तरह बिहेव करने लगेगा, मतलब अभी जो अंडाणु था अब वो जैसे यहां पर हमने क्या करा, न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर दिया, ये क्या बन चुका है, अब युग्मनज बन चुका है। अब युग्मनज का काम क्या होता है, विभाजन करना और पूरा पूरा जीव बना देना, तो आपका क्लोन बनकर तैयार हो जाएगा। तो पहली बार जो ये तकनीक थी किसके लिए बनाई गई थी, डॉली भेड़ के निर्माण के लिए, क्या वो श्वेता, पहली बार तकनीक किसके लिए बनाई गई थी, डॉली भेड़ के निर्माण के लिए, ठीक है ना ऐसा। और डॉली भेड़ के निर्माण में हम लोगों ने जवाबी रूप में क्या बनाया था, 2009 के टाइम पर समरूपा भैंस को बनाया था, ठीक है, समरूपा नाम था उस भैंस का, एक गाय भी बनाई थी हम लोग, गाय का मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्या है, एक गाय भी बनाई गई थी उस टाइम पर, उसी 2009 के टाइम पर ही, लेकिन जो समरूपा भैंस थी ना, ये केवल 7 दिन जिंदा रही थी, इसको लंग्स इन्फेक्शन हो गया था, मर गई थी बेचारी वो, है ना, लेकिन हम लोग कामयाब हो गए थे उसको बनाने में, ऐसा रहा था, ठीक है ना। नाम ध्यान दे रहा क्या नाम उसका, एक बार नाम
रुकना आप लोग, मैं आपको कंफर्म करके बता देता हूँ उसका नाम क्या है। बातें मत करो, हाँ गरिमा नाम है उसका, गरिमा। वो भी भैंस का ही नाम है, गरिमा भी है, गाय का नहीं भैंस का नाम है, क्योंकि हमारे यहाँ गाय ज्यादा दूध नहीं देती है, कौन देती, भैंस ज्यादा दूध देती है इसीलिए, ठीक है ना। आप देखो जितनी डेयरी पर आप जाओगे तो वहां पर आपको भैंस ही मिलेंगी, ऐसा रहेगा ना कि गाय, ठीक है। तो एक तो नाम, एक तो समरूपा और दूसरी कौन सी, गरिमा। आपके दोनों नाम याद रखने भैया, समरूपा और गरिमा। कहां पर, करनाल, NDRI करनाल में, हाँ बिल्कुल करनाल हरियाणा। ये आपने बना लिया ऐसे, क्योंकि देखो आपको ये बनाना जाए, देखो यहां तो मैंने ये चिपका दिया डायग्राम, तो आपको ये डायग्राम समझ थोड़ी आएगा, लेकिन आप ये बनाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ये जीव है, जीव से हमने क्या निकाली, काय कोशिका निकाली, इसका जो केंद्रक था वो हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिया, और इसका जो केंद्र था वो बाहर निकाल दिया, है ना ऐसा। अब ये किस तरह बिहेव करेगा, एक जायगोट की तरह या फिर युग्मनज की तरह, और युग्मनज का कार्य क्या होता है, विभाजन करके एक पूरा जीव बना देना। तो बस उसने कार्य शुरू कर दिया, कैसे किया, इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद, बिजली के झटके पड़ने के बाद, ठीक है ऐसा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है, ठीक है। ज्यादातर जो प्रजनन केंद्र है, पशु प्रजनन केंद्र, वो वहीं पर बने हैं, कहां पर, आपके करनाल हरियाणा में। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, पूछते हैं आपसे NDRI का जो सेंटर है वो कहां पर है, वो करनाल हरियाणा में है ना, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है ये वाला पॉइंट। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए प्रकार देख लें हम लोग क्लोनिंग के। मैंने आपको पीछे क्लोनिंग समझा दी, क्लोनिंग क्या होती है, ठीक है। देखो यहां पे लिख रहा है, इसे एकल जनक से, एकल जनक यानी कि वो कोई भी जीव हो सकता है, एकल जनक यानी कि वो कोई भी जीव हो सकता है। इधर देख लो श्वेता एक बार, उसकी इधर देख लो, एकल जनक माने क्या है, वो कोई भी जीव हो सकता है, ठीक है ना। और उसकी क्या, काय कोशिका लेकर हम क्या, अलैंगिक विधि के माध्यम से किसको बना रहे हैं, उसके क्लोन को बना रहे हैं, ये कोई सा भी जीव हो सकता है, ठीक है ऐसा। और इसकी क्या लेकर हम लोग, कायिक कोशिका को लेकर अलैंगिक विधि के माध्यम से, इसी का हम लोग क्या बना रहे हैं, क्लोन बना रहे हैं ऐसा। यहां से हमने क्या ली, कायिक कोशिका, ठीक है, और इस कायिक कोशिका किससे, अलैंगिक विधि के माध्यम से हमने क्या बना दिया, एक पूरा पूरा क्लोन तैयार कर दिया इसी व्यक्ति का, ठीक है ऐसा। चलिए आइए इसके प्रकार देख लें, है ना, आपको एग्जाम में प्रकार पूछ सकते हैं, इसे आप प्रकार ध्यान रखना, तीन प्रकार होते हैं, जीव या आणविक क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और थेरापुएटिक क्लोनिंग, ठीक है। ये थोड़ा आपके लिए अलग से निकल कर आ गया यहाँ पर, ये क्लोन आप समझ के आ गए पीछे के, क्लोन माने क्या होता है, ये सबने समझ लिया कि समझिए क्लोन माने क्या होता है, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, यहाँ पे जितने आदमी लोग बैठे हैं, क्यों क्लोन समझ में आ गए कि नहीं आ गए। चलिए इसके तीन प्रकार होते हैं क्लोन के, कौन कौन से, पहला अपना कौन सा, जीव या आणविक क्लोनिंग। तो देखो इधर देख लेना आप लोग, किसकी सहायता से, जीन अभियांत्रिकी की सहायता से ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीव का निर्माण करना। आपको ध्यान होगा मैं आपको पीछे ये जीन अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ाकर आ चुका हूं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए बना रहे थे, वहां पर हम लोगों ने प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस इस्तेमाल किया था कि नहीं किया था, वहां पर हमने डीएनए लिगेज का इस्तेमाल किया था कि नहीं किया था, वहां पर हमने पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल किया था कि नहीं किया था, किया था ना कि नहीं किया था, याद है कि नहीं याद है। तो जीन अभियांत्रिकी की सहायता से आप क्या बना रहे हो, क्लोन बना रहे हो, आप बना किस रूप में ली, ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीव। देखो ट्रांस माने क्या होता है, अलग अलग, ट्रांस का अलग अलग नहीं, तो एक से दूसरा, आपके बोल रहे एक से दूसरा, ट्रांस माने की एक से दूसरा, जेनिक यानी कि जीन, एक से दूसरे का जीन, और सूक्ष्म जीव माने क्या, यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मुख्यतः आप यहां पर कौन सा बनाते हो, जब देख लो जो यहां पर लिखे ना, जीव या आणविक क्लोनिंग, इसके तहत मुख्यतः आप किसके क्लोन बनाते हो, आप बनाते हो बैक्टीरिया या फिर जीवाणु के क्लोन, और वो जीवाणु जिसका सबसे ज्यादा क्लोन बनते हैं उसका नाम है ईकोलाई। याद है कि नहीं याद है कोई ईकोलाई बैक्टीरिया, हाँ ईकोली, चलो कोई दिक्कत नहीं है, उसे आप ईकोलाई पढ़ते हैं वैसे तो, ईकोली बोलो, ईकोली का मतलब पेट के अंदर मिलता है कि नहीं मिलता है,
ठीक है ना, इसलिए कह रहे हैं एनिमेश कभी दारू मत पीना वरना कीड़े मर जाएंगे, बहुत काम के कीड़े होते हैं वो सारे के सारे, सोचो क्लोन बनाने पड़ रहे हैं उनके। चलिए ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी, यहां पर क्या जीव या आणविक क्लोनिंग में हम सबसे ज्यादा किसके बनाते हैं, ई कोलाई के बनाते हैं, क्या बनाते हैं क्लोन, किसकी सहायता से, जीन अभियांत्रिकी की सहायता से, ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का मतलब ही अपना क्या होता है, यहां पर जीवाणु होता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो यानी कि जो हम किससे देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप से, माइक्रो माने क्या, जिसे हम किससे देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप से, तो जो बैक्टीरिया वो किससे दिखेगा आपको, नंगी आंख से नहीं दिखेगा ना, वो किससे दिखेगा आपको, माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा ऐसा। चलिए दूसरा यहां पर क्या है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, तो आपको ध्यान होगा ये पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं, एससीएनटी पढ़ा नहीं पढ़ा पीछे हम लोगों ने, आप मुझे खुद ही बताइए रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में पीछे क्या पढ़ कराया था, क्योंकि देखो उसको रिप्रोडक्टिव क्यों बोला जा रहा है, इधर देखना ध्यान से, इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव क्यों बोल रहे हैं, रिप्रोडक्टिव माने होता है प्रजनन, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने यहां पर किसका इस्तेमाल किया था, अंडाणु का, अंडाणु कहां पर इस्तेमाल होता है, रिप्रोडक्शन में होता है कि नहीं होता है, प्रजनन में, इसीलिए इसको हम क्या बोले, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। तो इसमें हम लोगों क्या देखा था पीछे, एक जीव की कायक कोशिका और उसकी जनन कोशिका, जनन कोशिका में जो केंद्र था वो बाहर फेंक दिया गया और कायक कोशिका केंद्र किसमें लगा दिया गया, जनन कोशिका में लगा दिया गया, उसमें क्या इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए और फिर उसने क्या करा, जायगोट की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया, उसमें क्या हो गया, फिर कोशिका विभाजन शुरू हो गया और उसने क्या पूरे जीव बना के तैयार कर दिया। यहां पर एग्जांपल किसका आएगा बताइए, क्यों उसकी यहां पर एग्जांपल किसका आएगा बताओ, इसके तहत डॉली भेड़, डॉली 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 डॉली, बिल्कुल नहीं, गरिमा भी भैंस का नाम है, गाय का नाम नहीं, भैंस का ही नाम है, समरूपा गरिमा दोनों भैंस के नाम है, गाय का नाम नहीं, दोनों बन सकते हैं, नर भी और मादा भी दोनों ही। क्या कह रहे हो, नर का उदाहरण, नर को बना करेंगे का, कोई काम का है नर का, अगर काम का हो तो फिर बनाए भी, ठीक है ना, जब तुम जानते हो कि जो खेत है, खेत खेतों की टिलेज के लिए सब ट्रैक्टर ही काफी है, तो फिर काय को अपन बैल बनाए, ठीक है, लेकिन दूध देने के लिए तो क्या चाहिए, भैंस ही चाहिए ना, फिर इसलिए यहां पर फीमेल को ही बना रहे भैया, नर को बना कोई सेंस ही नहीं बनता। चलिए अगला देख लो, यहां पर अपना तीसरा कौन सा है, थेरेप्यूटिक क्लोनिंग, ये अपना क्या थेरेप्यूटिक, इसको यहां पर इंग्लिश में और लिख लेना, थेरेप्यूटिक को थेरेप्यूटिक, थेरेप्यूटिक देख लो, अपन बोलते थेरेपी करना, अपन ने पीछे पढ़ा जीन थेरेपी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जीन थेरेपी में क्या कर रहे थे, जो विकृत जीन था उसे हटाकर अच्छे जीन ला रहे थे, आपको ध्यान है वो तीन उसके वो थे कौन कौन से थे, जीन सुधार, पहले था जीन प्रतिस्थापन, फिर जीन संवर्धन, यानी जीन ऑगमेंटेशन था क्या नहीं था, वही तीन। तो देखो यहां पर क्या थेरेपी लिखा क्या लिखा, तो थेरेपी में क्या हो रहा था देख लेना आप लोग, क्षतिग्रस्त ऊतक या अंगों में सुधार के लिए इस क्लोनिंग का प्रयोग होता है, सुनना बात ध्यान से, जैसे मान लो किसी का लिवर खराब हो जाए दारू पी पी के बहुत, तो लिवर का क्लोन बनाया जाएगा, ठीक है, क्लोन कैसे बनेगा, वही कोशिका निकाली लिवर की, उसको हमने क्या करा अंडाणु में डाला, अंडाणु में डाल के फिर हमने क्या करा उसको एक युग्मनज के रूप में तैयार कर दिया, तैयार करने के बाद उसमें क्या होगा विभाजन शुरू हो जाएंगे और विभाजन होने के बाद उसमें क्या बनने लगेगा नया लीवर बनकर तैयार हो जाएगा, बस उस लीवर को कर दो व्यक्ति में इम्प्लांट कर दो, ठीक है। जो थेरापोटिक क्लोनिंग है इनका मुख्यतः इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, यकृत के लिए, यकृत माने कि अपना लिवर जो दारू पी पी खराब हो जाता है, किडनी, किडनी किडनी कैसे खराब हो जाती है, बिल्कुल स्टेरॉइड दवा, क्योंकि आप देखो जो दवा आप खाते हो वो स्टेरॉइड, डॉक्टर आपको स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन भी देता है, स्टेरॉइड दवा से किडनी के खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, आप देखो अगर मान लो आप कोई दवा ले रहे हो उसमें स्टेरॉइड का जो ना कंटेंट ज्यादा है तो आप कहते हो गाल फूलेंगे, वो गाल क्यों फूल रहे, क्योंकि वो आपकी किडनी पे क्या कर रहा है असर डाल रहा है स्टेरॉइड, और किडनी पर जितने ज्यादा स्टेरॉइड का असर पड़ेगा ना वो क्या उतनी जल्दी खराब होगी, ध्यान रखना, तभी कहते हैं कि स्टेरॉइड ज्यादा लेना नहीं चाहिए, हालांकि स्टेरॉइड लेने से क्या आप सही तो बहुत जल्दी हो जाते हो, है ना, और डॉक्टर को देखो खुद कहलवाता भी, देखो देखो मैंने सही कर दिया, मैंने सही कर दिया, कौन ने कहा वो स्टेरॉइड लेते हैं, वो प्रोटीन लेते हैं, स्टेरॉइड थोड़ी लेते हैं, वो जो तुम बोल रहे हो ना वो तो वैसे ही है, ठीक है ना, जो तुम बोले स्टेरॉइड वो लेते हैं, वो फिर अलग चीज है, अलग चीज इन द सेंस कैसे, उनको बहुत जल्दी बॉडी बनानी है, तो जल्दी बॉडी थोड़ी बनानी है, अपन को एक साल दो साल डेढ़ साल के भीतर बॉडी बनानी है, अब तुम्हें एक दो महीने के भीतर बनानी तो फिर तुम स्टेरॉइड का इंजेक्शन लो, जैसे उसने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने लिया था, अपने सैलमन भाई ने लिया था, ठीक है ना, इन लोगों ने क्या करा था एक डेढ़ महीने बॉडी बनाने चक्कर में स्टेरॉइड के इंजेक्शन लिए थे,
तो उससे क्या जल्दी बॉडी बन जाती है, लेकिन स्टेरॉइड जो ना लेना गलत होता है, कभी आपको उस पे किडनी पे प्रभाव पड़ रहा है, उससे ये रहता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। तो थेरापोटिक क्या है अपना, इसमें क्षतिग्रस्त ऊतकों का क्या किया जाएगा, रिप्लेसमेंट किया जाएगा, ठीक है ऐसा। चलिए ये स्टेम सेल यहां पे लिखा है, मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ स्टेम सेल होता क्या है, स्तंभ कोशिका होता क्या है, ये आपको आगे बताने जा रहा हूं मैं यहां पर, आप आगे से पढ़ लो तो यहां पे ऑटोमेटिक कनेक्ट कर जाओगे, ठीक है ऐसा। आइए लाभ देख लिया, यहाँ पर लाभ क्या क्या है, देखो विशेष ऊतकों व अंगों का निर्माण कर असाध्य बीमारी का उपचार, तो विशेष ऊतक अपांग जैसे कि हम किसके बोल रहे हैं, किडनी व लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी लिवर, ठीक है, हृदय, इनके प्रत्यारोपण में, ठीक है, एक नई किडनी बना दो, एक नया लीवर बना दो, एक नया हार्ट बना दो, हालांकि उसमें खर्चा बहुत आएगा, ठीक है ऐसा रहेगा। फिर यहाँ पे क्या, वनस्पतियों और जीवों का क्लोन बनाया जा सकता है जिससे कि जैव विविधता का क्या हो, संरक्षण हो। आपको पता होगा चीता जो विलुप्त हो गया भारत में, ठीक है ना, इसका क्लोन बनाया जा सकता है। आपने सुना होगा मैमथ, सुना है मैमथ, वो जो रूस के साइबेरिया में मिलता था, जिसके इतने बड़े जो दांत निकले थे, हाथी दिखता था जो मैमथ है ना, मैमथ के जो अवशेष मिले हैं, आप चाहो तो उन अवशेष में उसकी जो कोशिका कोशिका वहां से न्यूक्लियस को निकालकर आप क्या कर सकते हो, वापस से मेहमत को बना सकते हो। अब वो अलग बात है, वो कितने दिन जीवित रहेगा वो अलग चीज होगी, लेकिन वो बन सकता है, ठीक है ना, ऐसा। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, आप उन्हें वापस से ला सकते हो उस पृथ्वी पर, किसके माध्यम से, इसी क्लोनिंग के माध्यम से, है ना। विभिन्न मानव उपयोगी प्रोटीन जैसे कि इंसुलिन का निर्माण करना, यह भी किस विधि से हो रहा है, क्लोनिंग विधि से ही हो रहा है, ठीक है ऐसा। चलिए तो ये तीन लाभ है, आपको तीनों लाभ याद रखने यहां पर, ठीक है, क्यों, आगे बढ़े नहीं शॉर्ट में, बहुत ज्यादा लिखा है, जेई के जेई आपके नोट्स में लिखा है, का टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। नोट्स जहां तक है आपको शायद मेरे हिसाब से परसों या नरसों मिल जाने चाहिए, परसों या नरसों मिल जाने चाहिए जहां तक है, लेकिन अगर आज ये टॉपिक खत्म हो जाए, अभी टाइम तो पूरा हो चला है यहाँ पर, बस ये आज का टॉपिक खत्म हो जाए, जो आज टॉपिक मैं लेकर आऊँ ये खत्म हो जाए यहाँ पर, तो फिर आपको परसों ही मिल जाएंगे नोट्स, ये रहेगा है टेस्ट में। हाँ तो ये जैव प्रौद्योगिकी आएगा ना आपके लिए, तो और क्या, और क्या, शनिवार को होता है टेस्ट, हाँ कोचिंग के संविधान में लिखा है, हालांकि वो संविधान पे ही लिखा हुआ है, आपने आज रजिस्टर नहीं निकाला क्यों निर्भय, आप कभी कुछ लिखते नहीं रजिस्टर में, घर पे लिखते हो, आईयूटी क्या होता है बताओ, आईयूटी क्या होता है बताओ, मतलब लिखते नहीं हो फिर जी, इसलिए कहते हैं यहां पे शॉर्ट सिनॉप्सिस बनाते हुए चलो, जी मैंने शुरू से ही बोला है, जब से मैं यहाँ पर आया मैं तब से बोली ये वाली बात कि शॉर्ट सिनॉप्सिस बनाते हुए चला करो, कम से कम वो तो पढ़ कर आया करोगे तो आपको पता तो रहेगा कि मैं पूछ कह रहा हूँ, आप अपने शब्दों को कुछ बयां तो कर पाओगे इसके बारे में, चलो आगे बढ़े। आइए ये है स्टेम सेल, स्टेम सेल देख लो आप लोग होती क्या है, स्टेम देखो, स्टेम माने को होता है तना, ठीक है, या फिर स्टेम माने को होता है स्तंभ, आपने पेड़ का तना देखा है, देखा पेड़ के तने को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं, स्टेम, और इसी स्टेम के ऊपर क्या होती है, ब्रांच होती है, टिकी हुई की नहीं होती है, उसी ब्रांच पे क्या निकले होते हैं, पत्तियां, और क्या निकले होते हैं, फूल, यानी आप देखो एक पूरी की पूरी स्टेम क्या कर रही है, बहुत सारी शाखाओं को, पत्तियों को, फूलों को क्या दे रही है, आश्रय दे रही है, दे रही है, मतलब उसे क्या पकड़ पा रही है, नहीं पकड़ पा रही है, उसका वजन उठा पा रही है, नहीं उठा पा रही है, इधर देखना आप लोग, यहां पे लिखा है स्टेम सेल, इन्हें बोलते हैं हिंदी में क्या, स्तंभ कोशिका, तो ये क्या होती है, ये होती है भ्रूणीय कोशिका, ये क्या होती है, भ्रूणीय कोशिका, समझते हैं भ्रूणीय कोशिका मतलब क्या होता है, देखो जब बच्चा मां के पेट में बन रहा होता है उस टाइम पे वो क्या कहलाता है, भ्रूण, जब तक पेट में ना वो क्या कहलाएगा, भ्रूण,
लेकिन जब वो जन्म लेगा तब वो क्या कहलाएगा, शिशु या नवजात, है ना, आप ये कह सकते हो। लेकिन जब तक अंदर वो क्या कहलाएगा, भ्रूण। और हम भ्रूण भी कहां पर चल रहे हैं, बहुत पहले, यानी कि युग्मनज वाले स्तर पर। कहां चल रहे हैं हम लोग, युग्मनज। आप बात सुनो ध्यान से, आपको ये बात तो समझ में आ चुकी है युग्मनज कैसे बनता है। बिल्कुल, इसी युग्मनज में और क्या होने वाले, कोशिका विभाजन होने वाला है, हम जानते हैं अच्छे से, है कि नहीं। इसी युग्मनज में क्या होगा, अभी ये सिंगल सेल्ड है ना, ये एक कोशिकीय है ना युग्मनज, तो युग्मनज अभी गए, एक कोशिकीय है, इसमें क्या होने वाले, कोशिका विभाजन, ठीक है ना, ब्लास्टोमियर बनेगा, जाने क्या क्या बनेगा इस टाइप से, आठ कोशिका वाला, ठीक है। इधर देख लेना, यहां पर कितनी कोशिका आएंगी, ब्लास्टोमियर आठ कोशिका आएंगे कि नहीं आएंगी, ये आठों की आठों कोशिका किसकी तरह बिहेव करेंगी, स्तंभ कोशिका की तरह। बात सुनो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं आपसे, ब्लास्टोमियर की आठों कोशिका किसकी तरह व्यवहार करेंगी, स्तंभ कोशिका की तरह। मतलब पक्की बात है, ये आठ में से कोई सी भी कोशिका हो, ये कुछ भी बना सकती है, ये सिर भी बना सकती है, मतलब यहां पर जितनी भी कोशिकाएं आठों की आठों है ना, ये आठों की आठों मनुष्य का सिर भी बना सकती है, मनुष्य के हाथ भी बना सकती है, मनुष्य के पैर, सब कुछ बना सकती है मनुष्य का, उसका लिवर भी बना सकती है, उसका जिगर भी, उसका हार्ट वार्ट सब कुछ। लिवर जिगर तो एक ही चीज होती है ना, लिवर को अपन जिगर बोलते हैं ना, ठीक है ऐसा, तो लेवर भी और जिगर भी ऐसा। चलो गए, जिगर खैर अजय देवगन की मूवी का नाम था, एक आई थी बहुत पहले। चलो खैर, जिगर की बात अपन बाद में करेंगे, जिगर में बढ़िया आगे वह, अपन तो खैर यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर क्या चल रहा है, आपसे क्या बोल रहे, आठ कोशिका है ना जो ये क्या कर सकती है, ये किसी भी प्रकार के अंग को बना सकती है। इन्हीं कोशिका हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूणीय कोशिका या फिर स्तंभ कोशिका। इन्हीं कोशिका को हम लोग क्या बोलेंगे, भ्रूणीय कोशिका या फिर स्तंभ कोशिका, क्योंकि स्तंभ कोशिका या भ्रूणीय कोशिका इसकी खासियत ही होती है कि ये शरीर के किसी भी भाग को बड़ी आसानी से बना सकती है। अभी क्या ये विभेदीकृत नहीं हुई है कि भैया ये कोशिका केवल दिल को ही बनाएगी, कि ये कोशिका केवल हाथ को ही बनाएगी, कि ये कोशिका केवल पैरों को ही बनाएगी, अभी ये विभेदीकृत डिफरेंशिएटेड नहीं हुई है। अभी ये अपनी कहां है, अपनी अर्ली स्टेज में, अर्ली स्टेज को अपन क्या बोलेंगे हिंदी में, अपनी मतलब प्रारंभिक अवस्था में, तो प्रारंभिक अवस्था में ये किसी भी अंग का निर्माण कर सकती है, और प्रारंभिक अवस्था में आपकी जितनी भी ये कोशिकाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, स्तंभ कोशिका या फिर स्टेम सेल। आप देखो ना, ये स्टेम सेल है, इससे सब कुछ बन रहा है, इससे न्यूरॉन बन रहा है, इससे आपकी एपिथेलियल बन रही है, इससे कौनसा डेनिंग भाई हड्डी वाली कोशिका बन रही है, इससे आपके आरबीसी बन रहे हैं, इससे आपके फैट सेल बन रहे हैं, ठीक है, इससे आपकी क्या है, हृदय की कोशिकाएं बन रही है इस स्टेम कोशिका से। आइए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लें, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, जिन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ कोशिका। खैर हम तो जानते हैं बात अच्छे से, ये बात तो खैर हम जानते ही हैं, स्तंभ कोशिका में क्या होगा, विभाजन की क्षमता तो होगी होगी, सीधी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है, सबसे बड़ी बात यह कि उनका विभाजन किसी भी प्रकार की कोशिका में हो सकता है, यानी कि वो तंत्रिका की कोशिका भी बना सकती है, वो हृदय की कोशिका भी बना सकती है, वो यकृत की कोशिका को भी बना सकती है, वो किडनी कोशिका भी बना सकती है, किसी भी कोशिका को वो क्या कर सकती है, बना सकती है, ठीक है सर। ये कुछ निश्चित क्या लिखा है यहां पर, निश्चित रासायनिक संकेतों को ग्रहण करने के बाद में क्या करते हैं, विशेषीकृत कोशिकाओं में स्थानांतरित हो सकती है। हम क्या बोल रहे हैं, विशेषीकृत, तो विशेषीकृत यानी कि कौन कौन सी, कोई सी भी हो, हम तो विशेष बोल रहे हैं ना, विशेष कोई सी भी हो, चाहे वो किडनी को लेकर हो, चाहे किडनी कोशिका हो, चाहे हृदय कोशिका हो, चाहे यकृत कोशिका हो, चाहे अस्थि मज्जा की कोशिका हो। अस्थि मज्जा जानते हो आप लोग क्या होता है, कंकाल। अरे देखो अपनी बॉडी में जो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं ना, ठीक है ना, इनके जो भाग हैं, एंड पार्ट है, इनके जो अंतिम पार्ट है वो क्या कहलाता है, अस्थि मज्जा कहलाता है। जैसे आप देखो हाथ है, हाथ ये हड्डी है, ये वाली यहां से लेकर यहां तक वाली हड्डी, इसका ये ऊपर वाला भाग और ये बीच वाला भाग, ये क्या कहलाता है, अस्थि मज्जा कहलाता है, जिसमें क्या बनता है, आरबीसी बनते हैं आपके, ठीक है, क्या बनते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है ऐसा। चलिए, इसमें कई प्रकार की कोशिकाओं विकसित होने की क्षमता होती है, हम जानते हैं कई प्रकार की, वो ये प्रकार सारे सारे लिखे आपके सामने, ठीक है। और ये शरीर हेतु किसका कार्य करती है, रिपेयर तंत्र का कार्य करती है, किसका कार्य करती है, रिपेयर तंत्र का। यदि आप रिपेयर तंत्र की बात करोगे तो आप देखना, जो आपकी लिवर है, लिवर, लिवर की कोशिका, लिवर की कोशिका कैसे बन रही है, इसी वजह से बन रही कि नहीं बन रही है, अरे लिवर जो होता है, लिवर ऐसा कहते हैं कि मनुष्य के लिवर में सबसे ज्यादा रीजनरेटिव पावर, यानी कि पुनर्जनन होने की क्या होती है, क्षमता होती है लिवर में। और क्योंकि तो आप देखो सारा भार कौन झेला हुआ है, लिवर ही तो झेला कि नहीं झेला इस समय, ऐसा। चलिए, स्टेम सेल समझ में आया कि नहीं आया, यहां पर स्टेम सेल क्या बोल रहे हैं आपसे, क्यों निर्भय स्टेम सेल क्या है,
स्टेम सेल क्या है, स्तंभ कोशिका क्या है? हाँ, मतलब ऐसी कोशिका जिनमें क्या है, विभाजन की क्षमता होती है और जो शरीर के किसी भी अंग का कर सकती है, निर्माण कर सकती है ना। आपने बात थोड़ी सी आधी बोली, आगे की बोल दी, पीछे का बोलना था, क्या बोलना था हमको, जिनमें क्या होता है विभाजन की क्षमता होती है, ठीक है। ऐसा प्राप्त होने के स्रोत के आधार पर इसको हम क्या निम्न भागों में कर बांट सकते हैं, इसको देख लो फटाफट, बस ये अपन खत्म करते हैं यहाँ पर स्टेम सेल वाला, है ना। तो देखो इसके प्रकार देख लो, यहाँ पर प्रकार कौन से, भ्रूणीय स्तंभ कोशिका। देखो मैं आपको पीछे बताया था भ्रूणीय, भ्रूणीय माने क्या, ये वो कोशिकाएं होंगी जो किसी भी अंग में बन सकती है, ठीक है ना। तो देखो पहली कौन सी भ्रूणीय, इसमें पहली कौन सी है, ये दो प्रकार की होती है, टोटीपोटेंट, दूसरी कौन सी अपनी प्लूरीपोटेंट। टोटी, टोटी माने की किसी भी प्रकार की कोशिका, टोटी माने किसी भी प्रकार की कोशिका, टोटी माने क्या होता है, किसी भी प्रकार की कोशिका, वो मैं समझना, वो टोटा और टोटी, वो जिनके हाथ उंगली नहीं होते, टोटा और टोटी, ठीक है ना, नहीं तो नल की टोटी समझ बैठे आप लोग। टोटी माने की किसी भी प्रकार की कोशिका, और पोटेंट माने क्या होता है, पावरफुल, पोटेंट माने क्या होता है, पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली, यानी किसी प्रकार की शक्तिशाली कोशिका में क्या बनना, बन जाना, विभाजित हो जाना। तो देखो निषेचन के प्रथम विभाजन के उपरांत उत्पन्न हुई कोशिकाओं को टोटीपोटेंट कोशिकाएं कहते हैं। क्या बोलना आपसे, निषेचन के प्रथम विभाजन के उपरांत, जब निषेचन होता है, निषेचन तब क्या बनता है, जायगोट बनता है कि नहीं बनता है, और जायगोट में जब पहला विभाजन होता है, यानी एक से जब दो कोशिकाएं बनती हैं, एक से जब दो कोशिकाएं बनती हैं, तो उन्हीं दो कोशिकाओं को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टोटीपोटेंट बोल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो वो दो कोशिकाएं किसी को भी बना सकती हैं, वो सिर हाथ पर कुछ भी बना सकती हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी हमारे यहाँ पे कौन सी है, हाँ यहाँ पे देख लें, एक चीज लिखी है यहाँ पे, टोटीपोटेंट स्टेम सेल से आप क्या, प्लेसेंटा सहित, प्लेसेंटा सहित शरीर के सभी अंगों का विकास संभव है। प्लेसेंटा जानते हो आप लोग, क्या होता है प्लेसेंटा, अरे गर्भनाल, प्लेसेंटा गर्भनाल होती है जिससे बच्चा माँ के पेट में जुड़ा हुआ रहता है, गर्भनाल, ठीक है ना, वही, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। तो टोटीपोटेंट की खासियत क्या है, ये प्लेसेंटा का भी निर्माण कर सकती है और पूरी पूरे शरीर के अंगों का भी निर्माण कर सकती है, ये टोटीपोटेंट की खासियत है। दूसरा यहाँ पर क्या, प्लूरीपोटेंट, प्लूरी माने क्या होता है, एक से अधिक कोशिका, यहां तो क्या कोई सी भी कोशिका, टोटी माने कोई सी भी, प्लूरी माने की एक से अधिक कोशिका, प्लूरी माने क्या है, एक से अधिक कोशिका। ठीक है, और पोटेंट माने क्या होता है, पावरफुल, ठीक है ऐसा। तो देखो निषेचन के चार दिन बाद संवर्धित कोशिकाओं को क्या कहते हैं हम लोग, प्लूरीपोटेंट। निषेचन के चार दिन बाद संवर्धित कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरीपोटेंट बोलते हैं। यानी कि हमने देख लिया निषेचन जब हुआ था तो क्या बना था, जायगोट, उसमें पहला विभाजन हुआ तो क्या बनी, टोटीपोटेंट, और जैसे चार दिन हो चुके हैं तो आपको क्या कहलाने लगेगा, प्लूरीपोटेंट कहलाने लगेगा, वो क्या कहलाएगा, प्लूरीपोटेंट। ठीक है, और क्लियर कर लेगा, टेंशन मत लो। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, देखो दोनों आपको जैसा लग रहा होगा, ये दोनों अंतर ज्यादा नहीं है, लेकिन बताओ अंतर क्या है, टोटीपोटेंट क्या है, प्लेसेंटा को बना रहा था और शरीर के सारे अंगों को बना रहा था, लेकिन जो प्लूरीपोटेंट है ये प्लेसेंटा को नहीं बना पाएगा, बाकी सबको बना देगा, प्लेसेंटा को छोड़ के सब कुछ बना देगा। प्लेसेंटा जानते हो आप लोग, पता ना, जरायु कहते हैं उसको, जरा हिंदी है जरायु अपरायु कुछ ऐसा कहते हैं, जरायु नहीं कुछ और कहते शायद, हिंदी में कहते शिवानी पता है प्लेसेंटा को, अच्छा आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई है ना, ठीक है। खैर प्लेसेंटा, हम दोस्तों पिल्ला सेंटा पढ़ा करते थे पहले जब पीएमटी तैयारी कर रहे थे, ठीक है। इधर आ जाइए, अगला आप देख लो, यहाँ पर व्यस्क स्तंभ कोशिकाएं, क्या तो ये तो आपको स्टेम सेल तो पूरा कर ले, चलो कल स्टेम सेल को अपन दोबारा से कर लेंगे, ठीक है, चलिए चलिए स्टेम सेल को अपन कल दोबारा से कर लेंगे।